साल गणपति के मौके पर हम देखते हैं कि आप बप्पा को लाते हैं, क्या फीलिंग होती है, आरती है घर में, बहुत ही ब्यूटीफुल माहौल हो जाता है बप्पा के आने से, तो आप बताइए कि क्या कुछ फीलिंग होती है बप्पा के आने से घर में? आपने सब जवाब दे दिया है, वही ब्यूटीफुल सी फीलिंग आती है, ऐसे लगता है पापा अपनी सालाना एक विज़िट इस घर को दे रहे हैं, जिनसे जिनसे प्यार करते हैं सबसे मिलने आ रहे हैं और सबको आशीर्वाद दे रहे हैं और सबसे बातें कर रहे हैं और यहाँ जितने भी लोग बैठ के बतियाते हैं उनके सामने बैठ के बतियाते हैं, सो इट्स अ ब्यूटीफुल एटमोसफेयर। बड़ा इनफॉर्मल सा लगता है मुझे ये फेस्टिवल, ऐसा नहीं लगता कि रिचुअल्स हैं और ऐसा सब, तो जिसका जो जैसी श्रद्धा वो वैसे अपना प्यार बप्पा को देते हैं। और सबसे खूबसूरत बात मुझे इस पर्व की ये लगती है कि मुंबई जैसे एक ऐसे शहर में जहाँ सब इतने मसरूफ़ हैं, वो किसी ना किसी तरह से आते ज़रूर हैं इस दिन, सो बप्पा से मिलते हैं एंड दैट फील्स वेरी वेरी नाइस। फैमिली मेम्बर्स का क्या रिस्पांस होता है, घर वालों का क्या कुछ, क्या कुछ साथ में, क्योंकि ये ऐसा दिन है जहाँ तक मेरा सभी साथ में होते हैं, सभी साथ में बैठ के बातें करते हैं, तो क्या रिस्पांस होता है फैमिली मेम्बर्स का? सब फैमिली साथ होती है, साथ में पूजा करते हैं, हम लोग साथ में सजावट करते हैं सुबह से उठ के, मतलब मैं हर एक फूल खुद लगाती हूँ तो ऐसा, तो सब साथ होते हैं, मेरी माँ साथ है, मेरे बच्चे साथ में हैं, मेरा भाई भाभी सब साथ में हैं, सो इट फील्स नाइस। बहुत ही ब्यूटीफुल डेकोरेशन किया आपने, तो थोड़ा सा आप हमें बताना चाहेंगे कि किस तरह से क्या क्या किया आपने, कैसे कैसे? वो जैसे ही बप्पा के जब वो खुलता है उनका निकालते हैं और आप बप्पा के दर्शन करते हैं, मुझे लगता है वो खुद ब खुद बता देते हैं कि आज का डेकोरेशन ऐसा होगा, तो मैं कभी सोचती नहीं हूँ कि आज ऐसे करूँगी, वो खुद ब खुद कुछ ना कुछ होता रहता है और मैं करती रहती हूँ। मैं बहुत बिलीव करती हूँ, कुछ साल मैं इको फ्रेंडली बप्पा ही लाती रही हूँ और मुझे लगता है कि हम सबको कॉन्शियस होना चाहिए उस मामले में, लेकिन जहाँ श्रद्धा आ जाती है वहाँ आप मतलब बहुत सबको शायद नहीं बोल पाते, लेकिन आई थिंक सबके अपने एक व्यूज़ हैं और इको फ्रेंडली हो तो बेहतर। जी, पापा है तो पापा से मतलब ऐसे कोई मन्नत कर सकते हैं या ऐसे कोई डिमांड भगवान से? मैं बस शुक्रिया अदा करती हूँ, क्योंकि आई थिंक ज़िंदगी बहुत डिसाइडेड डेस्टिनी, वो हर चीज़ डिसाइड करते हैं, वो डिसाइड करते हैं कि वो आपके घर आएंगे, वो डिसाइड करते हैं कि आज का दिन सबका छुट्टी का है और सब कौन कौन मिलने आ रहा है मुझे, सो मुझे नहीं लगता कुछ मांगने की ज़रूरत होती है। जी, मैंने हमने देखा कि पापा का आगमन हो चुका है और आपकी फिल्म जो कि YouTube पर फर्स्ट शॉर्ट मूवी आने वाली है, तो ज़रा प्लस माइनस उसके बारे में ज़रा कुछ बताइए, कितनी एक्साइटेड हैं आप इस? जी, बहुत एक्साइटेड हूँ प्लस माइनस को लेकर। इस फिल्म की जब कहानी लिखी जा रही थी तो सबसे पहले मैंने सुनी थी, ज्योति कपूर दास बहुत ही टैलेंटेड राइटर डायरेक्टर हैं और उनकी चटनी मुझे बेहद पसंद आई थी, और जब उन्होंने कहानी बनाई सबसे पहले मैंने सुनी और हमने सोचा कि ये फिल्म ज़रूर ज़रूर करेंगे, और फिर भुवन आए पिक्चर में और मुझे बाद में पता चला कि भुवन नाम तो बहुत बड़ी सेंसेशन है और बहुत कमाल का काम किया है भुवन ने, और फिर गुनीत मोंगा इस फिल्म से जुड़ गई, तो ऐसी कुछ कमाल की औरतों के साथ काम करना जो अपने फील्ड में बहुत माहिर हैं, चाहे गुनीत मोंगा हों चाहे ज्योति कपूर दास हों, एक बहुत खूबसूरत फिल्म बनके तैयार हुई और बहुत रेलेवेंट है। आप जब फिल्म देखेंगे, मेरे लिए पहली यूट्यूब फिल्म है तो जहाँ एक क्लिक करके आप फिल्म देख सकते, तो मुझे बहुत अजीब लग रहा है सबको कहना कि कल यूट्यूब पर देख लेना, क्लिक कर लेना और देख लेना, तो सो या आई वुड लव इट, मेरे लिए एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा, बहुत प्यारी फिल्म है और जब आप देखेंगे आपको पता चलेगा मैं क्या कह रही हूँ, तो एंटरटेनिंग भी है लेकिन कुछ ऐसा बोल के जाती है जिसे आप बोलेंगे नहीं। तो किस तरह का मतलब कैरेक्टर हमें देखने को मिलेगा? पहली बार एक ऐसा किरदार निभाया मैंने जो मेरे बहुत करीब है, मतलब मैं जैसी हूँ वैसी है वो, सो मुझे ज़्यादा मेहनत करनी नहीं पड़ी। तो ये जो प्लेटफॉर्म है जी, यूट्यूब का प्लेटफॉर्म हम देख रहे हैं, वेब सीरीज़ का प्लेटफॉर्म बहुत ही अच्छा है, ढेर सारी ऐसी वेब सीरीज़ आ भी रही हैं, लोगों को पसंद आ रही है, शॉर्ट फिल्म आ रही है लोगों को पसंद, हम ऐसा माने कि कंटिन्यू करेंगे आप इस तरह इस प्लेटफॉर्म पर? जी बिल्कुल, प्लेटफॉर्म कोई भी हो, कहानी अच्छी होनी चाहिए, डायरेक्टर अच्छे होने चाहिए, किरदार अच्छे होने चाहिए, जब आपको मालूम हो कि आपका प्रेजेंटेशन अच्छा है तो कोई भी प्लेटफॉर्म हो, और आजकल तो डिजिटल आई थिंक एक पैरेलल जगह हो गई है जहाँ बहुत एक अपनी ऑडियंस है देखने की, आई एम डूइंग अ लॉट ऑफ वर्क देयर ना। जी, तब तक
आप पापा का ध्यान रखिए एंड पापा हमारा ध्यान रख रहे हैं। पापा हम सभी का ध्यान रखते हैं एंड एक जाते जाते गणपति पापा मौर्या मंगल मूर्ति मौर्या। थैंक यू जी।